हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल रामचंद ट्यूटोरियल। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा कि क्या होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या होता है पता आपको? अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? प्रथा। क्या होता है? प्रथा। जो अकाउंटिंग कन्वेंशन का सिंपल सा मतलब होता है, प्रथा होता है जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओवर ए पीरियड फॉलो करती आती है। ठीक है, अकाउंटिंग कन्वेंशन आर द कस्टम्स और प्रैक्टिसेस एडोप्टेड बाय द वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अकाउंटिंग कन्वेंशन एक ऐसा ऐसी प्रथा होती है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओवर ए पीरियड, मतलब हर साल या पुराने समय से फॉलो करती आती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पुराने समय से कुछ कस्टम्स एंड कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करते आती है, कुछ प्रथा को फॉलो करते आती है, उन्हीं सभी प्रथा को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट से फुल डिस्क्लोजर, मतलब फुल डिस्क्लोजर बुक्स ऑफ अकाउंट करना चाहिए, मतलब किसी को किसी भी बात को छिपाना नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी, मतलब प्रीवियसली जो मैंने आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बताया था, कंसिस्टेंसी आपको ये बोलती है कि मान लीजिए कि एक मेथड है WDP, तो 2023 में मैंने अगर WDP मेथड फॉलो किया है तो 24 में भी मुझे सेम मेथड को फॉलो करना चाहिए। फिर मेटेरियलिटी फैक्ट, मतलब जितना रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना चाहिए, जो मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोज में बताया था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ा, जब मैंने पढ़ाया था तब आपको ये बताया था। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब सिंपल से क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशन एक प्रथा होती है, एक प्रैक्टिसेस होती है जो बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ओवर ए पीरियड उसको फॉलो करते आती है। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अब आपको अकाउंटिंग कन्वेंशन एकदम से क्लियर हो चुका होगा। और अकाउंटिंग कन्वेंशन मतलब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ना, तो बहुत सारे इवेंट्स लाइक छठ पूजा हो गया, तो छठ पूजा में हम लोग न्यू न्यू कपड़े लेते हैं, ठीक है, न्यू न्यू क्लोथ्स वगैरह खरीदते हैं। तो ये सालों से चलती आ रही है कि पूजा या कोई भी इवेंट्स में हम लोग न्यू क्लोथ्स वगैरह खरीदते हैं। तो इसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारे कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो करती आती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं। आई होप अब ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा।